गुड मॉर्निंग इंटरनेट। सो नो, कल की रात बहुत ही भयानक थी एंड बट यस, नींद बहुत ही ऑसम आई। और अब फटाफट जैसे हमें पता लगा, मम्मी को पता लगा कि यू नो रास्ता खुल गया। मम्मी के एकदम से सुबह 5 o'clock आँख खुल जाती है, तो उन्हें पता लगा कि जैसे यू नो रास्ता खुल चुका है, तो उन्होंने फटाफट हमें जगाया एंड हम फटाफट से यू नो जैसे थे गिले विले वैसे ही फटाफट सामान कपड़े वपड़े रख के गाड़ी में रख के फटाफट से अपने आधे उधरे कपड़ों में रूम में आ गए हैं। तो अब नींद तो पूरी हो गई है, दोबारा सोने का मन नहीं कर रहा है एंड तो मैं सोच रहा हूँ चलते हैं थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि थकान अब इतनी कुछ है नहीं। यस, जो हमारा जो नो लग्जरियस थी, थोड़ा स्टे का था, यहाँ पे आके रुकते आराम से इंजॉय करते प्रॉपर्टी को, बट वो नहीं हो पाया। बट ठीक है, नींद पर जो रात को जो नींद आई ना वो ऐसी थी कि बस कुछ होश नहीं थे। अगर मुझे कुछ सुबह 5 बजे नहीं उठाता तो मैं दो तीन घंटे और सोता रहता। तो अब मैं थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, तो मैं सोचा है विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा वर्कआउट करते हैं। और यहाँ की जिम मैं अभी देख कर आया था और आपको भी दिखाता हूँ, इट इज़ रियली ऑसम, बहुत बढ़िया जिम है। तो हम चलते हैं वर्कआउट सेक्शन में। किचन तो है, सॉरी, जो ब्रेकफास्ट है हमारा बुफे दैट फिल ओपन अराउंड, सो दिस इज़ ऑल द रेस्टोरेंट एरिया। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आपके साथ ऐसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ जिसने मेरा पहला वीडियो देखा है वाला। लिफ्ट का वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। व्यू तो मेजमराइजिंग है यहाँ पे यार, सीरियसली। तो आ गए हम जिस अपना, सो दीज आर द एमिनिटीज, जिम, योगा, फन आर्केड। सो फन आर्केड में यहाँ पे कैरम बोर्ड्स हैं थोड़े से, ठीक है। नाउ वी आर एंट्रिंग टू अवर जिम एरिया। ओके, तो दिस इज़ द होल जिम एरिया। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगा मुझे जिम, यू नो प्रॉपर एक नॉर्मल जो जिम का साइज़ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे। दे हैव वन ट्रेडमिल, चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है यहाँ पे, अ कपल ऑफ सेट्स ऑफ जिम डंबल्स, साइकिलिंग भी है, दैट्स एक वो योगा सेक्शन एरिया है, कुछ प्लेट्स पड़ी हुई हैं आपका, यू नो एक्सरसाइज बॉल्स हैं, मैट्स इज ऑल्सो देयर। क्योंकि इट्स अराउंड 7:30 एज ऑफ नाउ और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया होगा। सो राइट नाउ आई जस्ट टेक, यू नो दीज आर द थिंग्स विच आई टुक। ओके, तो दिस इज़ माई होल प्लेट विथ इडली, वड़ा, रोटी, सांभर और चटनीस। और बानो तो अपना क्या खा रहे हो बानो? केलॉग्स, इडली खा लेते हैं, इडली खा लेते हैं, इडली खाऊंगे अभी। खाओगे इडली आप? चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट यू नो फिनिश करता हूँ, लेट्स निकलते हैं यहाँ से चुपटा के लिए, क्योंकि अगर चुपटा निकलें तो फटाफट से निकलना पड़ेगा, मेक इट फास्ट। ओके, तो चलो अब चलते हैं चुपटा कॉलिंग। मैवरिक को करते हैं हम ऑन। मैवरिक जब तक थोड़ी सी गंदी नहीं होती है ना ट्रैवलिंग करते समय, तब तक अच्छी नहीं लगती है। नाउ इट्स लुक गुड, मैवरिक इज़ द बेस्ट। चलो चलते हैं, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो अपन चोपटा वाले एरिया में तो पहुंच चुके हैं, बट पार्किंग नहीं मिली क्योंकि यहाँ पूरी भीड़ ही भीड़ है। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे लाइन से सारी गाड़ियाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से पूरी गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं। अभी मुझे ये क्या क्रॉस करके फिर पहाड़ मतलब आएगा चोपटा वाला एरिया। ओह वाह, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चल रहे हैं ऐसे मतलब। तो यहाँ से व्यू जो है ना बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ ये हालत है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली, ठीक है ना। नॉट श्योर कि हम जब निकलेंगे तो ये जाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ये सारा हट चुका होगा। सुपर सुपर से भी सुपर। तो दिस इज सेकंड टाइम
तुमना जी के दर्शन कर। चलो सब चीज़ ओपन है आज तो यहाँ पे। और आज जो भीड़ है ना, उतनी भीड़ तो पहले कभी नहीं मिली यहाँ पे। बहुत ही सही है यार, आज पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे। इससे पहले पूरा वाइट ही वाइट था, पर वो वाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, आई थिंक सो। इतना ग्रीन ग्रीन से अच्छा था यार। तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इतने दिख रहे हैं ना छप्पड़, ये सब चीज़ें। नथिंग विल बी देयर, नथिंग वॉज देयर, जस्ट पीसफुल एंड वाइट। तो ग्रीन से अच्छा ज़्यादा वाइट लगा है, नेक्स्ट टाइम वाइट में ही आऊँगा, इस मौसम में आना बेकार है। यहाँ पे शोर भी है, यहाँ पे भीड़ भी बहुत है। अब हमेशा अगली बार अपना जब बर्फ़ पड़े यहाँ पे तब आने का फ़ायदा है, अदरवाइज कोई आने का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। वानू थक चुकी है पूरी अभी, हैं? मम्मी पापा भी थक चुके हैं पूरे, लेट्स सी कब आते हैं। पता है वानू जितना आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है ना बेटा, विंटर्स में पूरा वाइट यहाँ पे शाम को ही हो जाएगा। हैं नहीं, बर्फ़ नहीं होती है ना यहाँ पे, मतलब पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होगी यहाँ पे वानू पूरे प्लेसेस में। यहाँ पर वो सबसे आसान होता है, सबसे ईजी रहता है चढ़ना उसमें। साइड हो जाओ बेटा, वन अंदर आ जाओ बेटा, या तो दादी भी छोटी ना बेटा। वानू चल रही है एक खतरनाक रस्से से, दो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है वानू के लिए। वानू कम फ्रॉम दिस साइड बेटा, आ जा यहाँ से, आ जा शाबाश, हाँ शाबाश, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ गया ना, मजा आया। तो थोड़ा भी चेंज हुआ, मम्मी पहले उसमें बैठी हुई थी, अब मम्मी को इसे बैठा रहे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा सॉलिड है, वो बेचारा यू नो कमज़ोर सा है, थोड़ा सा वीक है, तो हम स्ट्रांग वाले के अंदर बैठा रहे हैं मम्मी को, क्योंकि स्ट्रांग बंदे के साथ स्ट्रांग घोड़ा चाहिए अभी, तो मम्मी को भी स्ट्रांग बैठाते हैं। इसको सुबह हमने एक्चुअली एथलीन एक्स का प्रोटीन पिलवाया था और उसको नहीं पिलाया था आप ज़्यादा। और मम्मी थोड़ा साइड में जो बस बस सुन, चिल्लाया कम कर, हर चीज में नहीं चिल्लाते। दिक्कत हो रही थी क्योंकि जो घोड़ा था वो बिल्कुल एंड में नहीं जा पा रहा था और मम्मी के बैक में प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत फेस हो रही। तो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन स्टार्ट हो चुकी है जर्नी, एंड लेट्स सी हम कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं। अभी बज रहे हैं 11:30, आई होप 1 बजे तक हम शायद पहुँच जाएंगे। व्हाट अमेजिंग यार, यहाँ पे लुक एट द क्लाउड्स मैन एंड लुक एट द वानू। आ जा वानू, क्या अमेजिंग है यार, मज़ा बुरा। और हमें अभी वहाँ तक ही जाना है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है बस। सुबह ना मैंने चूज़ करा अ डिफरेंट पाथ बीच में जाने का, और वो नॉट फ्रॉम गोइंग इन द सिंपल वे, यू टुक शॉर्टकट दैट वे एंड फॉलो दिस पाथ सो दैट वी कैन रीच ओवर देयर। Let's go. पर अभी भी मंजिल दूर है मेरे दोस्त, चलो नहीं, पास ही है।
हम वहाँ से जाएंगे ऊपर। अच्छा सुप्रस पहुँचने वाले हैं अभी, एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। मम्मी तो ऊपर पहुँच गए होंगे अब तक, एंड आई एम ऑन द वे राइट नाउ। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यार, छोटा सा रह गया। पर यहाँ पे जो मज़ा है ना यार इस टाइम पे, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ठंडा चिल्ड, और आई विश डेफिनेटली टाइम बहुत ज़्यादा यू नो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और यू नो टूरिस्ट आते हैं और यू नो इस ट्रैकिंग का एंजॉय करते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं। सच में भोले बाबा मतलब भोले ही हैं, और बिल्कुल टॉप में आराम से शांतिपूर्वक वहाँ पे रहते हैं। इस ट्रैक में हमको कुछ रोते हुए बच्चे भी देखे, कुछ परेशान बच्चे भी देखे। पापा यार ये आपका, अरे बच्चा यार रोते हुए जा रहा है। मम्मी का है क्या? बड़ा अच्छा है, बड़ा भी मंजिल थोड़ी सी दूर है, और हमें थोड़ी सी दूर है। बेटा ओले पड़ रहे हैं, फटाफट पहन ले। ओले कब पड़ रहे हैं? बारिश बेटा पड़ रहे हैं, बेटा बारिश नहीं है, ओले ही हैं, समझे आप। अभी हमको और पीछे पहुँचना है, हमें तो पापा कर रहे हैं अभी दिया बत्ती पंच परमेश्वर पे, है ना। अच्छा कर लिया होगा, कर लो। आ जाओ, अब कहाँ है ऊपर, और कोई मंदिर है ना, भोगशाला भी है। चलेंगे लेटर जगह में, पापा जला दिया अपने पापा, ये लो जलो जल्दी से। खत्म हो गया होगा? नहीं आ रही है फिल्म, आ रही है रिया। वो हम फटाफट से यहाँ से नीचे निकलते हैं। मैंने सोच रहा था कि मैं ऊपर तक जाऊँ चंद्रशिला तक, बट इन मना कर रहे हैं, तो मुझे इन दिल मार के नीचे आना पड़ेगा। तो मैं नीचे नेक्स्ट टाइम मैं चंद्रशिला जरूर कवर करूँगा। वापस बारिश हो रही थी ना नीचे, वहाँ पे क्या हो रहा है। आ जाओ एक और दर्शन करने चलते हैं, आके चल के जय भोले 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 बाबा। नंदी महाराज भी यहाँ पे भी हैं, बिल्कुल ये थोड़ा ना केदारनाथ जैसा बना हुआ है कि उनका मंदिर जो केदारनाथ जी दर्शन जी हैं वहाँ पे, उनके बैक साइड में एक बहुत बड़ा शिला थी, बट यहाँ पे एक मंदिर है, तो रिजेंबल्स काफ़ी ज़्यादा सेम मिलता है मुझको यहाँ पे इस जगह पे। एंड अगर आप उधर देखोगे ना, ओ माय गॉड, वो देखो क्या जेट ब्लैक के है ना, इनकी अलग ही ब्रीड रहती है, मस्त रहती है यार। ब्यूटीफुल व्यू है यार, अमेजिंग है यार, क्या गजब का दिन। सो नाउ इट्स टाइम टू दर्शन से यहाँ से वापस लेता हूँ मैं, अब चलता हूँ अब नीचे, और वहाँ पे तो जा नहीं पाऊँगा मैं, तो अब यहीं से घर चलते हैं क्योंकि मम्मी मामा मना कर रहे हैं। तो मैं वापस चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे ड्रम बजाते हुए कुछ दर्शन। बहुत लंबी लाइन है भाई, और नीचे उतरने में तो जाम मिलने वाला है ना, अभी जो गाड़ी के लिए खासकर गाड़ी टर्न करना इज अ रेरी बिग चैलेंज होने वाला, क्योंकि बहुत मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर यहाँ से गाड़ी ली है मैंने, और एंड लेट्स सी कि अब कितना होता है। नीचे उतरे, पीछे का व्यू तो यार बहुत। लोग आ रहे हैं यार कसम से, बहुत ज्यादा भी बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आई होप नीचे भी ज्यादा भीड़ डेफिनेटली होगी। पर मुझे कभी कभार लगता है यार इन बेजुबान जवानों की ना
बहुत ज़्यादा फटीक है बेचारों की. वेदर दे गेट इनफ फूड टू ईट टू रिस्टोर द एनर्जी. मिल सकता है क्या, मिलता होगा जितना जितना वो खा रहे हैं उतना सफिशियंट होता होगा जितना मिलता है. ये दिस अ बिग वेरी बिग क्वेश्चन. अरे कितने ज़्यादा चक्कर लगाते हैं हम एक ब्लॉक में. ओके कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया ना, मज़ा आ गया. ठंड के तो और मज़े आ रहे होंगे. नेक्स्ट लेवल. आपको क्रॉक्स में कैसा लगा ट्रैकिंग करना? कंफर्टेबल है. और आपकी पैंट का है वो ऊपर आ जाते कंधों पे. अच्छा. एक्चुअली कल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बैड था. ओके कल मैं देवरोताल गया था. हाँ. पजामा प्रॉपर पहन के. ओके तो ऊपर हो गया था हिल स्टॉर्म. ओके तो हम पूरा हिल स्टॉर्म में ही नीचे आए हैं. हाँ कल शाम को ना. हाँ जम लग पूरा हिल स्टॉर्म पूरा हो रहा है. बारिश में मेरी वाइफ मेरी बेटी हम पूरा बर्फ ही बर्फ हो रखी है. ओले पड़ रहे हैं. हम उसमें पैदल चलते हुए आए हैं. और सबसे वाव था हमने उखीमठ में हमारा होटल बुक था. हाँ. हम उसमें नहीं जा पाए, पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि पूरी लैंड स्लाइड हो रखी थी. हाँ. रास्ता बंद था तो सारी से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले ही हम रुके वहाँ पे. हाँ ये मेरी बेटी है. जो आपने कहा आप लेक गए थे उसकी ट्रैकिंग कैसी है? अच्छी है वो भी. मतलब इसकी तरह? हाँ नॉर्मल ही है. ये नॉर्मल ही हमारे लिए नहीं है ना, तभी पूछ रही हूं. मतलब ठीक है वो 3.5 किलोमीटर की है ट्रैक. मतलब 3 किलोमीटर का ट्रैक है. हाँ स्टीप है वो. बट उसका ऊपर दिस वन ये कितने किलोमीटर की है? ये 4 बोलते हैं. वो 3 है. वो 3 है. पर दोनों अच्छे हैं. एक्सपीरियंस है वहाँ पे बेसिकली. क्या अगर कल तो खैर बारिश हो गई तो इतना ही स्टीप है. पूरा स्टीप है वो. काफ़ी अच्छा स्टीप है क्योंकि उसमें मैंने विंटर में एक्सपीरियंस करा हुआ है. पूरा बर्फ बर्फ था तो अमेजिंग लगता है वहाँ पे. जब आप वाइट देखते हो ना पूरा का पूरा वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जन्म. पर यह है कि वहाँ पे जाके देखोगे तो जैसे नो बिल्कुल डीप फॉरेस्ट है. बिल्कुल आपका बिल्कुल घना लगेगा वहाँ पे. और बीच में लेक है वो ताल में. तो व्यू भी आता होगा. हाँ ऑब्वियसली. तो आप ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं? मैं हर टाइप की बाइक व्लॉगिंग ट्रैवल व्लॉगिंग सब पूरा. जोशी ट्रैवलर. जोशी ट्रैवलर. यस दैट्स योर फेसबुक हैंडल. जोशी है थोड़े से इसलिए. ओके नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. यस अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपको. अमेजिंग. यहाँ से मजा आएगा. नहीं कर पाए वो कर लेगा. हाँ हाँ आराम से करेगा. बी पॉजिटिव. यही मुझे लोगों ने कहा. पाला जी रखना. ग्लूकोज बिस्कुट खाते रहना. चलते रहना धीरे धीरे. ओके थैंक यू. वेरी ऑन हजर महादेव. बाय. मम्मी की फोटो खींच लो कह रहे हैं. चलो मम्मी की हॉर्स राइडिंग और खींचो. नहीं नहीं बैठो.